बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ मुबशरा अरशद फ्रॉम हमीदा रशीद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान। पहले के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था बेसिक कंप्यूटर और नेक्स्ट हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पढ़ा है और आज हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो हम बात करते हैं अब सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। मतलब हदायात का ऐसा मजमूआ जो कंप्यूटर को दी जाती हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम एडिटिंग के लिए अडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं, हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए एमएस ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं, हम कैलकुलेशन के लिए एमएस एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, और हम अपने दूर दराज रिलेटिव्स बात करने के लिए स्काइप का इस्तेमाल करते हैं। हम सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहा जाता है और सॉफ्टवेयर को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इनको हम हायरार्की की मदद से पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को मज़ीद डिवाइड किया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स और डिवाइस ड्राइवर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एंड पैकेज सॉफ्टवेयर। इनको हम मज़ीद डिटेल में आकर डिस्कस करते हैं। तो हमारे टॉपिक में जो हमने डिस्कस करना है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब कि ये डेफिनेशन को देख के पता चलता है कि ये एक सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि ये मजमूआ है सॉफ्टवेयर्स का, और ये सारे सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस को मैनेज करने में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले है मैनेज रिसोर्सेज की, ये रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करता है। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज मौजूद हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क की मेन मेमोरी, सीपीयू वगैरह। तो कौन सा प्रोग्राम हार्ड डिस्क के अंदर किस जगह पर स्टोर होगा या रैम के अंदर किस लोकेशन में स्टोर होगा, ये सारा काम किसका है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ये सारे रिसोर्सेज हैं, ये रैम, हार्ड डिस्क, ये सारे रिसोर्सेज हैं। तो इनको मैनेज किस तरह किया जाता है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से मैनेज किया जाता है इनको। इसी तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में रन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम आगे डिस्कस करेंगे, पर मैं यहाँ हल्का सा आपको ब्रीफली बताते चलूँ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो और सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अडोब फोटोशॉप हो गया, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, ये हो गया कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर पे रन करने के लिए मदद देते हैं, ये हमारे डिस्क में डाटा को सेव करते हैं और ये हमारे कंप्यूटर को यूज़ेबल बनाते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हमारा कंप्यूटर या मोबाइल हमारा वर्क नहीं करेगा। अब ये प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स की जिम्मेदारी भी सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू परफॉर्म वेरियस टास्क ऑन कंप्यूटर। ये कंप्यूटर पर वेरियस टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम अपनी डेली की रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़रूरत ज़िंदगी के मुताबिक अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। ये हर इंसान अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने हिसाब से अपने अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है। जैसे कि किसी को एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो वो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा, फोटोशॉप करेगा। किसी को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए करना है तो वो ऑफिस का इस्तेमाल करेगा। इसी तरह हर इंसान अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है, तो हर कंप्यूटर में एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होता है। पर मैंने अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को पूरा करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है वो मेरी ज़रूरियात के मुताबिक है,
जैसे कि आप स्क्रीन पर ये अब जो वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है। अगर आप वीडियो एडिटिंग नहीं करते, वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करते, तो आपको वो ज़रूरत नहीं है इंस्टॉल करने की, आप वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पैकेज सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दो एग्जांपल्स हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एंड पैकेज सॉफ्टवेयर। तो अब हम बात करते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की। अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिज़ाइन फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसके ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी ख़ास इदारे के लिए किसी ख़ास बिजनेस के तहत उसको डिज़ाइन किया जाता है, जिसकी ख़ास रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको बनाया जाता है, उसको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि इसकी किसी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, किसी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इसको बनाया जाए, किसी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इसको बनाया जाता है, इसको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये किसी इस पर ज़्यादा मेहनत होगी, ये किसी के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनाया गया है, तो ये कॉस्टली भी होगा, और ये आम बंदे के यूज़ के लिए, किसी इदारे के लिए होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा, तो इसलिए कॉस्टली होता है। अब हम बात करते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर। अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिवेल्प्ड फॉर द सेल टू द जनरल पब्लिक। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि जनरल पब्लिक की ज़रूरियात को देखते हुए बनाए जाते हैं, जो कि आम इंसान के लिए, आम पब्लिक के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं। कि जैसे कि हम शॉप पर जाएं और जाकर ख़रीद लें और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, वो पैकेज सॉफ्टवेयर है। ऐसा सॉफ्टवेयर इसको हम ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। जिससे अभी आपको बताया कि हम शॉप पे जाएं और जाकर उसको ख़रीद लें, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो वो पैकेज सॉफ्टवेयर के आम इंसान के फीचर्स को, उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इन सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है, उनको पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं। कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो जो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं एडिटिंग के लिए, हम टेक्स्ट लिखने के लिए, हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उनको पैकेज सॉफ्टवेयर कहा जाता है। बाय एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स, ये एक बहुत एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स ने, जैसे कि सॉफ्टवेयर हाउसेस में इनको डेवलप किया जाता है, इनको डिज़ाइन किया जाता है। इसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट्स कुछ होती हैं और कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती हैं, तो उन सब लोगों की रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए इन सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि MS Word, MS Excel, अडोब फोटोशॉप। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी, जो हम अपनी सॉफ्टवेयर डेली रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।